एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। तो फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन हमको दिया है पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अगर ढंग से लिखें तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी हम तुलना कर लें कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हो जाएगी पी, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 4 और सी की वैल्यू हो गई 3। और जो क्वेश्चन में कहा गया है बात कि हैविंग इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है, इफ इफ द एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स अगर रियल और इक्वल रूट्स रखता है तो इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। यही ना बताया गया था, रियल और इक्वल रूट्स अगर रखता है तो उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी का स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू पी और सी की वैल्यू 3 बराबर 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर आ गई। हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो हमारे रियल और इक्वल वैल्यूज आती हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। तो उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम 4 4 16 माइनस ये हो जाएगा, आगे हल करेंगे 4 4 16 माइनस, अगर पी की संख्या है 3 है और 4 है 12 पी, ट्वेल्व पी बराबर 0। 12p को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12p बराबर 16। तो p की वैल्यू मिल गई 16 बाय 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 इक्वल टू 1 1/3। तो p की वैल्यू आ गई p इक्वल टू 1 1/3। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे क्या होने चाहिए, रियल और इक्वल वैल्यू के अगर आ रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा।
इसका सेकंड पार्ट है सेकेंड पार्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस थ्री एक्स पी माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। इसकी हम तुलना कर लें कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू पी माइनस थ्री और सी इज इक्वल टू हो जाएगा पी। इफ एबव इक्वेशन है कह रहा है कि अगर ऊपर वाला इक्वेशन रख रहा है रियल एंड इक्वल रूट्स देन तब क्या होगा, रियल और इक्वल रूट्स रखेगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी की वैल्यू है पी माइनस थ्री, बी स्क्वायर का लिखेंगे p माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर। ए सी का मान क्या है, a का मान है माइनस a बराबर वन है और c बराबर p है, ये बराबर हो जाएगा गुड़े वन गुड़े पी बराबर जीरो। इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स पी माइनस फोर पी इज इक्वल टू जीरो। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दो गुड़े तीन गुड़े पी, तीन दूनी के छह पी हो गया। इसको अगर हम हल करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस नाइन प्लस टेन पी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, p की दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं तो इसको हम सॉल्व करते नौ लाना है तो 10 एक कम 10 करेंगे तो ऑटोमेटिक 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। या तो 10 एक कम 10 कर लें, 10 वन जा 10 तो क्या होगा 10 पी माइनस पी आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 10 पी नहीं है, यहाँ पे जो है आपका है माइनस का 10 पी आएगा, यहाँ पे जो लिखा गया है और कोई बोल भी नहीं रहा है, ये माइनस माइनस का माइनस 6 पी है माइनस 4 पी मिलके माइनस 10 पी होगा, यहाँ माइनस 10 पी होगा और प्लस माइनस पी माइनस एन पी इज इक्वल टू जीरो। इसमें और कॉमन ले लेंगे, पी कॉमन हो जाएगा, ये पी प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो पी की दो वैल्यूज प्राप्त हुई, पी प्लस दूसरे में पी माइनस वन बराबर जीरो। अगर p प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो तो p की वैल्यू हो जाएगी माइनस टेन और यहाँ पे p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो p बराबर हो जाएगा वन। तो p की हमको दो वैल्यू प्राप्त हुई, p का मान या तो एक हो सकता है या तो माइनस टेन हो सकता है, हमारी वैल्यू आ गई p बराबर क्या हो गया रियल एंड इक्वल वैल्यूज के लिए p बराबर माइनस एक कामा टेन। यही हमारे दो आंसर इसके मिल गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट रखता है
तो के की वैल्यू निकालना है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। इक्वल रूट के लिए वही है, इक्वल रूट के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि इसका मान जीरो आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट का मान हमारा जीरो होना चाहिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर के एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इफ एवर इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, पहले तुलना कर लें हम, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमारा ए के फोर के सॉरी फोर और बराबर हो गया के स्क्वायर माइनस के प्लस, तो इफ एबव इक्वेशन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, तीन कटाई है तो वो तीनों कंडीशन हम